अगर लड़की तुमसे बात ना करे तो क्या करे? देखो वो तुमसे मिलती है, तुम उसे देखते हो, तुम उसके सामने जाते हो, बट वो तुमसे बात नहीं करती। क्यों? ऐसा क्या कर दिया तुमने? तो देखो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से नंबर वन है कि जब तुम उससे मिलते हो ना तो तुम उसे फुल बॉडी उसकी देखते हो और उसकी बॉडी की हर एक एक्टिविटी पे नजर डालते हो। चीप हरकतें करना, उसे देखना कुछ अजीब से तरीकों से देखना, यानी कि उसे घूरना या उसे ऐसा फील कराना कि तुम उसकी बॉडी के हर एक पार्ट को गंदी नजर से देख रहे हो। इस वजह से भी लड़की तुमसे बात करने में हिचकिचाती है या फिर तुम्हें गलत समझती है। इवन जब तुम उसके सामने कॉल्स पे भी बातें करते हो तो अपने बात करने के तरीके को बिल्कुल ही छपरियों की तरह रखते हो, यानी कि उसे फील होता है दैट्स यू आर नॉट एन एजुकेटेड पर्सन। तो इस वजह से भी वो तुमसे कनेक्ट नहीं होना चाहती और बातें नहीं करती है। लड़कियां तुम्हारी लुक को भी देखकर तुमसे बात नहीं करना चाहती। अब तुम्हारा हेयर स्टाइल ऐसा होगा जैसे कि छपरियों का होता है, जो ये दिखा रहा है कि तुम बहुत ही अजीब से हो, यानी कि तुम्हें रहने का तरीका पता नहीं, यू डोंट नो स्टाइलिंग, तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि कैसे पहनना चाहिए, कैसे ड्रेसअप होना चाहिए। मैं नहीं कह रही तुम हीरो की तरह बन जाओ, बट हाँ अगर तुम चाहते हो कि कोई लड़की तुमसे अट्रैक्ट हो और तुम्हारा इम्प्रेशन बढ़िया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम्हें अपने लुक्स पे ध्यान देना होगा, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा चार्मिंग और अट्रैक्टिव बनाना होगा। सेकेंड रीजन की लड़कियां बात नहीं करती कि तुम्हारा कॉन्फिडेंट ना होना। फर्स्ट टाइम जब किसी से बात करते हो तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुमने कभी लड़की नहीं देखी या तुम्हें कभी किसी लड़की ने भाव नहीं दिया, तो अपने आप को इतना ज्यादा उसके सामने दिखाना नहीं है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो या इरिलेवेंट बातें करते हो, या फिर लड़की को ऐसा फील होना कि वो डिफरेंट है, तुम उसे अलग फील करा रहे हो। इस वजह से भी वो तुमसे बात करने में हिचकिचाती है या तुम्हें इग्नोर करती है। जैसे ही तुम उससे मिलते हो उसकी पैम्परिंग करना शुरू कर देते हो, इसी से उसको लगता है कि तुम उसके पीछे पीछे एक लट्टू की तरह घूमोगे। तो अपनी इमेज को ऐसा मत बनाओ कि तुम्हारे पास लड़कियों की कमी है या तुमसे कोई लड़की पटती ही नहीं है। तो इसी तरीके की हरकतों की वजह से वो तुमसे बात नहीं करती। तो अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस शो करो, काम रहो जब किसी से बात करते हो, स्पेशली लड़कियों से, और खुद को ऐसी बातें में एंगेज करो कि उसे रिलीवेंट लगे, इरिलीवेंट बातें उसके साथ मत किया करो। नेक्स्ट रीजन है कि उससे जैसे मिलते ही हो और जासूसी करना शुरू कर देते हो। तो डोंट बी अ जासूस। उसके पास्ट में डायरेक्टली झांकना या फिर डायरेक्टली उसके पास्ट के या फिर उसके अफेयर्स के बारे में पूछना किसी भी लड़की को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि तुम उसकी सारी पर्सनल डिटेल निकालना चाहते हो, इस वजह से वो तुमसे बात करने से थोड़ा हिचकिचाती है। नेक्स्ट रीजन है इनसिक्योरिटी फील करवाना। जैसे तुम अपनी बिहेवियर से उसे इनसिक्योरिटी फील कराओगे तो वो बात नहीं करेगी। कि तुम उसे पूरा ऊपर से नीचे तक, यानी उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स को बहुत ही गंदे नजर से देखते हो, तो वो इन सारे चीजों को बहुत इनसिक्योरिटी से लेती है। तो जब भी उससे मिलो उसे आई कांटेक्ट करके बात करो और इधर उधर ज्यादा मत देखो। सिंपली पॉजिटिवली फ्रेंडली नेचर के साथ एक अच्छे स्माइल के साथ उससे बातें करें। यही सारी चीजें किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करती है कि बंदा कितना चार्मिंग है, कितना फ्रेंडली है और कितनी अच्छे से बिहेव करता है। तो आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लगाता है या किसी लड़की को अट्रैक्ट करने में तुम्हारी जो पर्सनालिटी, यानी कि तुम्हारा जो फ्रेंडली नेचर है, तुम्हारा एक स्माइल, अच्छे से बातें करना काफी अट्रैक्ट करता है लड़कियों को और लड़कियां बात करना पसंद करती है। नेक्स्ट रीजन है स्मार्टली टॉक ना करना और बहुत ज्यादा शो ऑफ करना। देखो शो ऑफ करना अच्छी बात है, लड़कियों को पैसा भी प्रेस करता है, यानी कि तुम्हारे स्टेटस अच्छा होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत सारी चीजें उसके साथ फर्स्ट टाइम में ही बोल दो। जैसे कि तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास कार है, तुम्हारा जो है बहुत बड़े लोगों से उठना बैठना है, तुम्हारी पहुंच बहुत दूर तक है, ये सारी चीजें बोलना बंद करो। आप अपनी बातें यानी अपना स्टेटस उसके साथ ऐसे ही सडनली शेयर मत करो। तुम उससे बात करते करते ही अपनी एम्बिशंस और अपने करियर के बारे में, अपने स्टेटस के बारे में बता सकते हो। जैसे कि उसने अगर पूछा कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है, आर यू सिंगल और नॉट, तो तुम उसे कह सकते हो कि देखो अभी तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ मेरे जॉब को लेकर या फिर मेरे बिजनेस को लेकर या किसी चीज को लेकर, इसके बाद ही मैं कुछ और सोचूंगा। तो ये स्मार्टली तरीका हुआ अपने आप को बताने का कि तुम्हारी लाइफ में क्या है और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में। लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट की बात करो तो कॉमन इंटरेस्ट की चीजों पे बात करो, थोड़ी फायदे वाली चीजों की बात करो और कंप्लीटली कभी उससे सारी चीजें मत कह देना। कुछ चीजें जो है
रखनी चाहिए सीक्रेट, या फिर कुछ क्यूरोसिटी उसके दिमाग में से छोड़ो कि जैसे कि वो तुमसे बार बार बात करना चाहे, उसके दिमाग में ये चीजें हिट करे कि ये मेरे फायदे की बात कर रहा था, मैं उससे और भी बात करूंगी। इस चक्कर में वो अपनी आईडी और अपना नंबर भी तुमसे जरूर शेयर करेगी। होप्स हो कि तुम्हें सारे रीजंस पता चल गए होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर बताना कि क्या तुम्हारी कोई ऐसी क्रश रही है जिसने तुम्हें इग्नोर किया है और तुम उसे अभी भी मिस करते हो। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।